हमास के युद्ध को लेकर पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती दिख रही है। हालांकि अमेरिका ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही उसने गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकार की बात भी की है। यही वजह है कि इसराइल और हमास के युद्ध को एक बड़ा रूप लेने से रोकने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मिडिल ईस्ट की यात्रा की है। सबसे पहले वो इसराइल गए, इसके बाद वो जॉर्डन होते हुए सऊदी अरब गए, जहां पर उन्होंने अरब देशों से हमास के हमले की एक सामूहिक निंदा की मांग की है। और अमेरिका के साथ ब्लिंकन ने एक बार फिर इस बात को साफ कर दिया है कि हमास पूरे फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अमेरिका का कहना है कि हमास का पूर्ण रूप से अंत होना चाहिए, जिससे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य या अथॉरिटी का रास्ता साफ हो सके। यहां तक कि अब अमेरिका ने इसराइल को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भी राजी कर लिया है। इससे पहले राफा बॉर्डर जो मिस्र से मिलता था, इसे इसराइल की सेना ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, और मिस्र की तरफ इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में मानवीय सहायता वाले कंटेनरों की लाइन लगी थी। लेकिन इस सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे अरब देशों को एक सीधा संदेश गया है। दरअसल जो बाइडेन 18 अक्टूबर 2023 को इसराइल की यात्रा पर आ रहे हैं, और इस दौरान वो उन अरब देशों को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें हमास को अलग थलग करना चाहिए। इसको लेकर बाइडेन ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमास के बर्बर आतंकी हमले के खिलाफ इसराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुधवार को इसराइल की यात्रा करूंगा। इसके बाद मैं जॉर्डन जाऊंगा, जहां पर मैं गंभीर मानवीय आवश्यकताओं को संबोधित करूंगा। मैं नेताओं से मिलकर ये स्पष्ट करूंगा कि हमास फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खड़ा नहीं है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने हमास के इसराइल पर हमले की अभी तक निंदा या आलोचना नहीं की है। इसी कड़ी में सबसे पहले ईरान का नाम आता है। ईरान ने इस हमले को जायज और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मरक्षा के अधिकार का मामला बताया है। यहां तक कि लेबनान ने भी ईरान के साथ सुर में सुर मिलाते हुए हमास को हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही है। वहीं तुर्की ने भी इसराइल की आलोचना की है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल हमास युद्ध को लेकर बेहद ही सधा हुआ बयान दिया है। उन्होंने इस युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने हमास के इसराइल पर हमले को आतंकी हमला बताया है। लेकिन ये बात अलग है कि इस साल के शुरुआत में हमास के नेताओं की रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात हुई थी। वहीं सऊदी अरब ने भी तुरंत युद्ध रोकने की मांग की है। वहीं कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने इसराइल के साथ एकजुटता दिखाई है। हालांकि इन पश्चिमी देशों ने इस बात को फिर से दोहराया है कि हमास का हमला संपूर्ण फिलिस्तीनियों की आवाज नहीं है।